तमाम आधार कार्ड धारकों और भामाशाह कार्ड की मुखियाओं को प्रणाम। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको देख रहा हूं और आप लोगों का भी परम सौभाग्य है कि इस वक्त आप इस देश के सबसे खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम, डेजिंग, सिजलिंग, चार्मिंग, डायनामिक, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, क्यूटेस्ट कवि को देख रहे हो। अब इसमें इतना है करने की जरूरत नहीं है, मोदी का देश है, माल कैसा भी हो विज्ञापन सॉलिड करना पड़ता है। मेरी लंबाई को लेकर बहुत सारी बातें की गई, ये 6 फुट 2 इंच की आलिशान हिलती दुलती इमारत, लुगई 3.5 फुट की, और दोनों जब साथ खड़े होते हैं तो यूं लगता है जैसे कुतुब मीनार के बगल में 2.5 दिन का झोपड़ा और खली की बाजू में प्रियंका चोपड़ा। एक बार अमिताभ बच्चन से किसी ने पूछ लिया, अमित जी आप तो इतने लंबे और जया जी इतनी छोटी की बच्ची लगती है। अमिताभ ने कहा, रे पगले इसमें टेंशन की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी लगती है। शुरू करने की कोशिश करता हूं। लंबे छोटे मोटे काले गोरे खड़े बैठे लेटे जो बिछड़ता है सारे के सारों को प्रणाम है। लंबे छोटे मोटे काले गोरे खड़े बैठे लेटे जो बिछड़ता है सारे के सारों को प्रणाम है। मियाओं की बीवियों को, बीवियों के मियाओं को, जोड़ी वाले सारे जोड़ीदारों को प्रणाम है। जिनकी जोड़िया अभी घोड़िया न चढ़ पाई उन कुंवरियों व कुंवरों को प्रणाम है। और जोड़िया बनाने की फिराक में जो डोल रहे ऐसे देवदासों और पारों को प्रणाम है। माताएं बहनें बैठी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। अच्छा, माताओं बहनों को प्रणाम करूं तो सास बहू ने क्या बिगड़ा। संसार का सबसे विचित्र चैप्टर सास बहू का, उनके बीच में छोटी सी बात उसमें से बारीक सी बात निकल कर आए, ठहाका बड़ा करके मुस्तक लौटाना, सास बहू के बीच में एक संवाद। एक दिन सास बोली बहू से, करम जली मेरी बूढ़ी काया तुझे देख देख रोती रे, शादी के 8 सालों के बाद में औलाद दी है, पोता मांगती रही मैं तूने जनी पोती रे। तिल मिला कर बहु बोली, भाई रहने दो बेटा, हीरे सा लगे तो बेटिया भी मोती रे, आपके बेटे के भरोसे ही बैठी रहती तो इकलौती जो ये पोती है वो भी ना होती रे। ये आप नीति सुना रहे हैं क्या? नहीं, ये मैंने बुजुर्गों से पाठ्य लिया। मैं तो पंडित हूं, मेरा पूरा नाम है पंडित लोकेश महाकाली, पंडित आपको प्रणाम करता है। अच्छा, पंडितों में तो मस्ती भरी पड़ी है, हमारे तो सरनेम उपनाम तक में मस्ती भरी पड़ी है। एक बार पंडितों का एक सम्मेलन हो रहा था सर, वहां पर काफी सारे पंडित इकट्ठे हुए थे, उसमें एक दुबे जी भी थे। दुबे जी को सब रोज परेशान करते थे, एक ने परेशान करने के लिए दुबे जी को वहां भी पूछ लिया, दुबे तू बता तू दुबे कैसे। दुबे ने कहा, अब मेरा मौका आया, एक साथ सबकी फाइल सुलटाता हूं। क्या पूछा? दुबे तू बता तू दुबे कैसे। दुबे ने कहा, मैं दुबे ऐसे क्योंकि मेरे एक ही तो है पिताजी, एक ही है माताजी, दोनों मिलाकर हुए 2, इसलिए मैं दुबे। ये सुनते ही त्रिवेदी का दिमाग खराब, चौबे का हाथ पकड़ा और पंचोली के साथ निकल लिया। अब जब वो जाने लगे तो सामने से एक सज्जन और आ रहे थे, बड़ी सी चुटिया और धोती पहन के। उन्होंने कहा, क्यों भाई सभा समाप्त हो गई क्या? सभा तो समाप्त नहीं हुई, वो अंदर दुबे बदमाशी कर रहे हैं। उससे पूछा तो दुबे कैसे हो के, मेरे एक पिताजी एक माताजी दोनों मिलाकर हुआ 2, इसलिए मैं दुबे। हम लोग क्या कहे। ये सुनते ही जो सामने से आ रहा था उसकी धोती खुल गई, चप्पल छूट गई, भाग गए क्योंकि वो थे मिश्र जी। एक बार जोरदार ताले बजाकर मान दीजिए। और इसके बाद मैं कहीं भी मांगूंगा आपको, चाहे बजे नहीं हो बजे, लेकिन मुझे सुनने की सिर्फ एक शर्त है, जहां तक मेरी नजर जाए आपके चेहरे पर मुस्कान नजर आए, हंसी नजर आए, क्योंकि मेरा तो जन्म ही मनहूसियत के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ है, क्योंकि ना तो मैंने मनहूस होकर कुछ लिखा है ना मैं मनहूसों को सुनाता हूं। प्रेम प्यार के मुतल्लिक बहुत सारी बातें हुई,
और ये कह रहे थे बुजुर्गे बुजुर्गे, बुजुर्गों की बहुत सारी बात हुई। ये बुजुर्ग लोग भी मस्ती करके बता रहे हैं कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता, आम भी तब तक रसीला नहीं होता जब तक कि वो पिलपिला नहीं होता। और क्रांति सर आपको देखकर लगता है कि आपकी उम्र की, आपकी ऊर्जा देखकर लगता है कि आपकी उम्र की तमाम इमारतें बेशक खंडर में तब्दील हो, लेकिन आप हेरिटेज नजर आ रहे हो। आपको प्रणाम करता हूं। मामला बड़ा विचित्र नौजवानों का। लोकेश लोकेश भाई, पंगा मतलब अलवर के बड़े बूढ़ों से, पंगा मतलब इन अलवर के बड़े बूढ़ों से, ये अभी सुपारी फोड़ देते हैं चिकने मसूड़ों से। बिल्कुल मैं इनके समर्थन में खड़ा हूँ। और नौजवानों का तो मामला ही बड़ा विचित्र है। अच्छा मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं खुद नौजवान नहीं रहा। ये जो आप देख रहे हो ना, बड़ी मुश्किल से बचा के रखा हुआ मेरा काला धन है। और काले धन से याद आते हैं स्वामी रामदेव। आप लोग भले उन्हें गुरु मानते हो, मैं तो संपूर्ण सृष्टि में उनका सबसे दुर्विरोधी कट्टर दुश्मन दुश्मनी साबित करूंगा। मेरी उम्र 38 वर्ष, आज से 3 साल पहले एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में रोधो के बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई। विधिवत एक लुगाई का इंतजाम हुआ, उसका नाम काली और जैसा नाम बिल्कुल वैसी। मैं भारतीय संस्कृति में विश्वास रखता हूँ, मेरी पत्नी मेरा धन है, वो काली है तो वो मेरा काला धन है। और बाबा जी कह रहे काला धन वापिस करो, काला धन वापिस करो। ऐसे कैसे वापिस कर दे, 35 साल की उम्र तो हाथ में ही। फिर भी संत की बात समझ कर एक बार की दुश्मनी टाल सकता था, पर कट्टर दुश्मनी तो तब हुई जब उन्होंने अगली बात कही। बात समझ में आए तो यहाँ से वहां तक जोरदार ठाकर उठाना। बाबा जी जैसे अगली बात कही उनका कट्टर दुश्मन, बाबा जी का काला धन वापिस करो, काला धन वापिस करो और इसको सार्वजनिक करो। और बाबाओं के चक्कर में पड़ो तो खुद बाबा हो जाओ। अभी आसाराम जी पे भी बहुत कुछ कहा गया, और रकेश भाई ने तो नारायण साई पे भी बहुत कुछ कह दिया। आसाराम जी को कुछ भी कह दो चलेगा, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नारायण साई को कुछ नहीं कहना, वो भारतीय संस्कृति का पोषक है। हमारी संस्कृति क्या कहती है, पिता के काम में हाथ बटाओ। तो बाबाओं के मामले में तो जाना ही नहीं चाहता। नौजवानों का मामला बड़ा विचित्र है। अभी हर साल 14 फरवरी को नौजवानों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्व आता है। मेरी टिप्पणी विश्वविख्यात हो गई, मन से भी हो गई, कुंवरों की आका थी। एक लड़के ने उस दिन एक लड़की से कहा, छेड़ने के लिए कहा, आजा मेरे दिल में बस जा। लड़की ने कहा सैंडल उतारो क्या, अब मेरे जैसा आदमी हो तो वहां से 1, 2, 3, 9, 2, 11 हो जाए। पर आप उस लड़के का हौसला देखना, पट्टे की कारीगरी देखना, और किस प्रकार से बात को पलट कर जवाब दिया, और उस बम्पर बाउंसर को भी सुपर सिक्सर में बदल दिया हो तो प्यार मांगता हूं। लड़के ने कहा आजा मेरे दिल में बस जा। लड़की ने कहा सैंडल उतारो क्या। सुनिए, एक टपोरी टाई पुछोरा छोरी से यूं बोला, कहाँ जा रही हो इतना सुनती जाओ जी, खाली खाली वीरान सा सुना सुना दिल मेरा, जाने मन एक बार यहाँ चली आओ जी। तिल मिला करके वो छोरी तब बोल पड़ी, सैंडल उतार दू क्या अब फरमाओ जी। छोरा बोला पगली ये दिल है मंदिर नहीं, डरो मत सैंडल समेत चली आओ जी। अमावस की रात को पैदा हुआ, जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त शहर में बिजली की कटौती अलग से थी। 15 मिनट तक तो दाई माँ को भी संपट नहीं बंदा कि लड़का हुआ क्या लड़की, वो तो भला हो स्पर्श तकनीक का कि पता चला लल्ला हुआ लल्ला। अच्छा लल्ला से याद आया, माता और बहनों को अपना लल्ला बहुत प्यारा लगता है। वो चाहती इस जमाने में किसी की बुरी नजर नहीं लगे, इसलिए गोरे गोरे गालों पे काला काला टीका लगाती। उसकी माँ तो ये सपना नहीं भर गई, गाल इतने करके चोक लगाओ तो काम चले। जैसे जैसे बड़ा हुआ वो जमाने से कटता गया, जमाना उससे कटता गया, लेकिन एक रोज तो गजब हो गया। उसके मोहल्ले में रहने वाले दूध वाले भैया जी सुबह शाम उसे अपने बाड़े में बिठाकर चाय नाश्ता बादाम पिस्ता पोहे पापड़े सब खिलावे। वो द्रवित हो गया और दूध वाले भैया जी से बोले, भैया जी संसार में सबसे ज्यादा मानवता के पुजारी आप हो, इंसानियत के रक्षक आप हो। दूध वाले भैया जी का मार बोली मानवता को, भाड़ में की इंसानियत, तू तो खा पी रेश कर, दरअसल मेरी भैंस का मर गया है पाड़ा, अब वो तुझे देखती है तो दूध देती है। उस काले कलुते आदमी की शादी हो गई एक झक्कास ट्यूबलाइट जैसी बिल्कुल गोरी लड़की के साथ।
अब इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से वहां तक जाओ आपको 50 उदाहरण मिल जाएंगे। मैंने भी मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे सुनहरी सुनहरी लिफाफे देखे जिसमें टिकट तो बाकायदा 4 जगह लगा हुआ। दोनों की शादी हुई लेकिन दोनों एक साथ बैठकर कभी भी अपनी ही शादी के वीडियो का आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि ब्राइटनेस बढ़ाओ तो लुभे ही नजर नहीं आवे, ब्राइटनेस कम करो तो अगला वो नजर नहीं आवे। मैंने उससे कहा अब तेरी जिंदगी कैसी चल रही है? उसने क्या कहा, खाक चल रही है। एक छंदो सुनाता हूं, उसने अपनी जिंदगी के बारे में क्या कहा। पागल भी दुखी, बीवी मेरी को ही नूर में सड़ा हुआ खजूर लंगूर सा लगू में वो नूर टपकाती है, और जहां जहां जाए लेला वहां लग जाए मेला, देख देख ककड़ी सी काया सूखी जाती है, वस्त्र वो सुखाने जाए लोग छतों पे आ जाए, आस पड़ोस की खिड़की खुल जाती है, लोग कहे देखो भाई अंधे ने बटेर पाई, चका चक चूर में के संग सुखी बाटी है, चका चक चूर। आइए गीत सुनाता हूं, गीत की पृष्ठभूमि सिर्फ इतनी सी, आदमी अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल जाए एक चीज वो ताउम्र नहीं भूल पाता, और वो होता है उसका पहला प्यार। जितने भी नौजवान है वो तो कर ही रहे, और जितने भी बुजुर्ग है वो रिवर्स गियर डाल के देखे उम्र के किन किन पड़ावों पर इस एहसास से आप गुजरे। लेकिन लोकेश महाकाली अलवर की इस पावन धरा पर खड़े होकर शान के साथ ऐलान करना चाहते हैं, हम आपसे 4 कदम आगे हैं, क्योंकि आपने 17-18 की उम्र में संपट आने के बाद प्यार किया, कौन सा तीर मार लिया, वो तो प्रक्रिया थी। अपन ने इतनी बड़ी रिस्क 13-14 साल की उम्र में उठा ली। दरअसल 5वीं-6वीं पढ़ता था, एक छोरी मेरी क्लास में पढ़ती थी, हम दोनों की नजरें मिली, मुझे लगा प्यार हो गया, लेकिन वो कुछ और था और उसका परिणाम भी कुछ और निकला। मैं गीत शुरू करूं उससे पहले एक बार आप लोग बताओ कि आप उसी मस्ती के साथ गीत सुनना चाहते हैं। पहली 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 वो बहार याद है, पहली 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 वो बहार याद है, मुझको अब भी बचपन का प्यार याद है। ए पहली पहली सुंदर सी एक लड़की 13-14 साल की थी, गोरी थी उसकी काया सूरत कमाल की थी, घनेरी जुल्फों वाली दो चुटिया करके आती, कजरारी काली अखिया मन को मेरे लुभाती, हर रोज मेरी आंखें उसकी आंखों से लड़ती थी, क्योंकि नसीब से वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। तेरे नजर का बार दिल के पार हो गया, देखने ही देखने में प्यार हो गया, कैसे चढ़ा था इश्क का बुखार याद है, नजदीक उसके जाने में मैं जान झोंकता था, सबसे जगड़ बगल में उसकी सीट रोकता था, बिन मांगे मदद उसकी मनुहार से करता था, वो कोई काम कहती बड़े प्यार से करता था, बाघों से उसके लिए मैं पकड़ के लाता तितली, बेरी के पक्के बेर और खट्टी खट्टी इमली, एक रोज इमली तोड़ने में पेड़ पर चढ़ा, फिसल गया जो पेड़ तो धड़ाम से पड़ा, महीनों रहा था टांगों से बेकार याद है, पर मुझको अब भी बचपन का प्यार याद है। ए पहली आप मजा शुरू। दीवानगी का आलम उफानी हो चला था, हर लम्हा जिंदगी का रुमानी हो चला था, जुबा पे गूंजते थे हर वक्त तराने, बंद हो के बाथरूम में घंटों गाए गाने, यूं इश्क के सागर में लगाए मैंने गोते, सूरत उसी की नजर आई जागते सोते, पर प्यार के इस खेल में ये खेल हो गया, वो अगली कक्षा में गई मैं फेल हो गया, वो अगली कक्षा में गई मैं फेल हो गया, घर जाके पापा से पड़ी वो मार याद है। लेकिन जो डर जाए, महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ में एक ही योद्धा पैदा हुआ है वो मैं, मेरा तो जन्म ही माजरे सुधारने के लिए हुआ है, मैं तो डर ही नहीं सकता। और मैं नौजवानों आपको एक सूत्र देता हूँ, संपूर्ण देश में सूत्र दे रहा हूँ, प्यार में कभी हताशा आ जाए निराशा आ जाए छोटी मोटी हरकत हो जाए घबराओ मत, लगे रहो मुन्ना भाई, क्यों, क्योंकि फटाक से राजी हो जाए, अरे वो कन्या ही कौन हुई है, दुनिया की हर ट्यूबलाइट लपक झपक कर गई तो ऑन हुई है। लगे रहो मैं भी लगा रहा, वो झटका जोर का था लेकिन मैं सह गया, स्कूल में ही तो है वो ये सोच रह गया, पीछे पड़ा मैं उसके कोशिशें हजार की, हिम्मत न जुटा सका पर कभी इजहार की, एक रोज वो स्कूल में आई नहीं नजर, पता किया जो मैंने तो पता चली खबर, डैडी का उसके हो गया तबादला कहीं, सुनते ही दिल के टुकड़े हुए वही के वही, उस रोज में रोया था जार जार याद। उन्होंने जैसी शक्ल में बताओ गीत हास्य रस का, इसमें छोटा सा संदेश है, यदि आप किसी से प्यार करते हो तो थोड़ी सी डेयरिंग करो और 3 शब्द बोल दो, प्रम वाक्य
आई लव यू। हद से क्या होगा, गुस्सा आएगा तो वो चार थप्पड़ मार देगी, बाल बाल दिखे देगी, लेकिन गलत फहमी नहीं बनी रहेगी जो मेरे साथ बनी। समय गुजरता गया, वो भी जवान लटर भी भाई, मेरे भी जवान, इकरोत मुझे मिली और किस प्रकार से मेरी एसी की तेसी करके 12 बजे सुनना हुआ आनंद। समय गया गुजरता, समय गया गुजरता, समय गया गुजरता, जवानी आ गई, बरसों के बाद याद वो कहानी आ गई। एक दिन दिखी फिर वो मुझे सड़क के मोड़ पर, मैं उससे मिलने को गया जल्दी से दौड़ कर, इठला के तब वो बोली अपने सजीले सैया से, एक अटैक तो वही लग गया, उसकी शादी हो गई, दो और गिनाता हूँ। इठला के तब वो बोली अपने सजीले सैया से, मिलवाती हूँ मैं आज अपने मुंह बोले भैया से। ये था दूसरा अटैक, और तीसरे अटैक में मस्ती आ जाए तो पांडाल तालियों से लहरा जाए। इठला के तब वो बोली अपने सजीले सैया से, मिलवाती हूँ मैं आज अपने मुंह बोले भैया से। उस रोज दिल के अरमासुओं में बह गए, जब प्रेमिका के बच्चे मुझको मामा कह गए।